अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। जरा इन्हें भी सुनिए, इन्होंने एक राजनीतिक दल का गठन किया है। ये पेशे से डॉक्टर हैं, दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम को लेकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और मेरी मांग है कि जातीय जनगणना हो और भारत वर्ष में 100% आरक्षण कर दिए जाए जाति के आधार पर। ये झंझट ही मिट जाए कि हमको कम मिला, हमको ज्यादा मिला, एक कम ज्यादा का सवाल खत्म हो जाए। बिल्कुल जायज मांग है आपकी, जातीय जनगणना होनी चाहिए और जातियों के आधार पर आरक्षण वितरित कर देना चाहिए, लेकिन उसमें एक क्लास जोड़ा जाना आवश्यक है, आर्थिक मूल्यांकन करके आपकी अपनी बिरादरी के लोगों का हिस्सा दिया जाना चाहिए, नहीं आप जैसे लोग गरीबों का हिस्सा हड़प कर बैठ जाएंगे। आपकी अपनी बिरादरी के कोटे का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाएगा। आप बैकवर्ड बिरादरी से हैं और बैकवर्ड कोटे का लाभ ले रहे हैं, जबकि आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, आपको स्वयं कोटा छोड़ देना चाहिए। क्योंकि पार्लियामेंट बेईमान हो गई, सुप्रीम कोर्ट बेईमान हो गया, तो जाएंगे कहां लोग? आप न्याय नहीं करना चाहते, ये सबको विदित है, सबको मालूम है, लेकिन आप बहुत दिन तक अन्याय कर भी नहीं पाएंगे। न्याय तो होगा और इस भारतवर्ष में सारी जातियों को उनकी संख्या के आधार पर आर्थिक हिस्सेदारी, जमीन में हिस्सेदारी, नौकरी में हिस्सेदारी, शासन सत्ता में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। यही शांति का रास्ता है। अरे आप तो धमकी भी देने लगे, अशांति फैलाएंगे। महोदय आप चिकित्सक हैं, चिकित्सक पेशा छोड़कर हथियार उठाएंगे? शांति का मार्ग अपनाकर सियासत कीजिए श्रीमान। सियासत करनी है तो कोई मजबूत मुद्दा ढूंढिए श्रीमान। अब जातीय सियासत का अंतिम चरण चल रहा है। लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, जात के आधार पर उन्हें गुमराह करना आसान नहीं है। देश प्रदेश पूर्वांचल अवध की प्रमुख खबरों के लिए अखंड दर्पण न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।